नमस्कार दोस्तों, आज 3 से 4 जिलों की जो यूटीपी संविदा आधारित भर्तियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सीएमएचओ करौली ने जो यूटीपी संविदा आधारित जो भर्तियां हैं उनका विज्ञापन जारी कर दिया। आप देख सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर, एएनएम, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और सहायक रेडियोग्राफर के पदों के लिए जो ऑनलाइन जो आवेदन है वो आमंत्रित किए हैं सीएमएचओ करौली ने। आप देख सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो योग्यता है जीएनएम बीएससी नर्सिंग प्लस आरएनसी में रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर 100 पद यहाँ पर निकाले गए हैं और 23 अगस्त तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से एएनएम, आप 10वीं पास हैं प्लस आपने एएनएम का डिप्लोमा किया है और आपके पास आप आरएनसी में रजिस्टर्ड हैं तो 50 पदों के लिए 23 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। लैब टेक्नीशियन के लिए आप मान्यता बोर्ड से प्राप्त बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण हैं विज्ञान और गणित में प्लस आप पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं तो आप 10 पदों के लिए 25 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से फार्मासिस्ट के लिए आपके पास मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं है प्लस राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में आप रजिस्टर्ड हैं और बी फार्मा और डी फार्मा की डिग्री आपके पास है तो आप 18 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 25 अगस्त तक। इसी प्रकार से सहायक रेडियोग्राफर, मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप 12वीं विज्ञान और गणित से उत्तीर्ण हैं प्लस राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्टर हों और रेडियोलॉजी में आपके पास डिग्री और डिप्लोमा है तो आप 3 पदों के लिए 25 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर के 100 पद, एएनएम के 50 पद, लैब टेक्नीशियन के 10 पद, फार्मासिस्ट के 18 पद और सहायक रेडियोग्राफर के 3 पदों के लिए 23 अगस्त और 25 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। यानी कि लास्ट डेट जो है नर्सिंग ऑफिसर और एएनएम की 23 अगस्त, बाकी जो लैब टेक्नीशियन है, फार्मासिस्ट है और सहायक रेडियोग्राफर है उनकी 25 अगस्त रखी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि आवेदकों का चयन विनिर्दिष्ट न्यूनतम योग्यता हेतु निर्धारित जो शैक्षणिक परीक्षा है और व्यवसायिक परीक्षा है उसके प्रतिशत जो प्राप्त अंक है उसका 70% वेटेज लिया जाएगा। साथ ही अनुभव आधारित बोनस अंक अधिकतम जो 30 है वो जोड़कर वरीयता तैयार की जाएगी। तो इसमें 70+30 यानी कि 70 तो जो आपकी जो योग्यता के परसेंटेज हैं उनके 70%+30% बोनस के आधार पर ये भर्तियां हैं। करौली के जो स्थानीय अभ्यर्थी हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। वो साथ इन्होंने कहा कि करौली ज़िले में पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर अन्य ज़िले के निवासियों का भी वरीयतानुसार चयन की कार्रवाई की जाएगी। कार्मिक विभाग के निर्देशानुसार आरक्षण का लाभ देय होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है आप आवेदन कर सकते हैं और आवेदन जो है वो यहाँ पर 23 और 25 अगस्त सायं 6 बजे तक आप कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आवेदन जो है ऑफलाइन मोड में यहाँ पर है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ नहीं कि ऑनलाइन है या ऑफलाइन। तो आप यहाँ पर एएनएम और नर्सिंग ऑफिसर के लिए 23 अगस्त, एलटी, फार्मासिस्ट और सहायक रेडियोग्राफर के लिए 25 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से सीएमएचओ सीकर ने 10 अगस्त 2023 के माध्यम से यूटीपी संविदा आधारित भर्तियों को लेकर जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। आप देख सकते हैं फार्मासिस्ट के 29 पद, लैब टेक्नीशियन के 30 पद और सहायक रेडियोग्राफर के 20 पदों के लिए जो ऑफलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए। इन्होंने कहा कि यूटीपी पदों पर भरने के लिए योग्यताधारी अभ्यर्थियों से दिनांक 17 अगस्त सायं 5 बजे तक आप रजिस्टर्ड कोरियर, साधारण डाक या व्यक्तिगत रूप से आवेदन जो है निर्धारित प्रारूप में निम्नांकित शर्तों के अधीन इस कार्यालय में आमंत्रित किए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं सीएमएचओ सीकर ने फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और सहायक रेडियोग्राफर के पदों के लिए जो आवेदन है वो 17 अगस्त से 5 बजे तक आप आमंत्रित किए हैं। आवेदन जो है ऑफलाइन है। साथ ही मैं बता दूं जिस जिले का हम यहाँ पर वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पे यहाँ पर भर्तियाँ निकाली है, समस्त जो एडवर्टाइजमेंट है और उसका जो फॉर्म है वो आपके अपने टेलीग्राम ग्रुप नर्सिंग न्यूज़ में मिल जाएगा। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन के माध्यम से नर्सिंग न्यूज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं चयन में स्थानीय अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। रिक्त पदों की अधिकतम सीमा तक अथवा 31 मार्च 2024 अथवा नियमित कार्मिक उपलब्ध होने तक जो भी पहले होगा यहाँ पर जो ज्वाइनिंग है वो रहेगी। नियमानुसार आरक्षण दे होगा। 3 जुलाई 2023 का जो वित्त विभाग का सर्कुलर है वेतन और मानदेय उसके अनुसार ही दिए जाएंगे। यानी कि मैं बता दूँ सभी आप हमें देख सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर को 37,800 रुपये का भुगतान यहाँ पर किया जाएगा, एएनएम को 26,300, लैब टेक्नीशियन इनको भी जो अलग अलग है
लैब टेक्नीशियन और साइड रेडियोग्राफर को 26,300 और फार्मासिस्ट को 33,800 के हिसाब से मानदेय का भुगतान किया जाएगा। और अगर एमओ की भी वैकेंसी है तो उनको 56,000 रुपये का मासिक मानदेय का भुगतान किया जाएगा। साथ ही अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। पदों में कमी और वृद्धि का अधिकार जो है कमेटी का होगा। डॉक्टर निर्मल सिंह जो CMSO सीकर हैं उनके हस्ताक्षर से ये जो विज्ञप्ति है वो निकाली गई है। इसी प्रकार से जो आवेदन का प्रारूप है आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको फोटो, किस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, अभ्यर्थी का क्या नाम है, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, पति का नाम, पूर्ण पता, मोबाइल नंबर, विवाहित या अविवाहित, के कैटेगरी कौन सी है, सब कैटेगरी क्या है, मूल निवास राजस्थान जिले का, किस जिले का आप मूल निवासी हैं, साथ ही 10वीं में आपके पूर्णांक और प्राप्तांक क्या हैं, तकनीकी योग्यता जैसे कि DMLT, D-Pharma, DRT या अन्य कोई आपके पास योग्यता है तो आपके पास कौन सी योग्यता है, और तकनीकी योग्यता में पूर्णांक और प्राप्तांक आपके क्या हैं। साथ ही राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल, फार्मेसी काउंसिल या RNC में आपके रजिस्टर्ड हैं तो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन की डेट और वैलिडिटी डेट क्या रहे। साथ ही अगर आपके पास अनुभव है तो किस पद का अनुभव है और कब से कब तक का अनुभव है, पूरा जो बायोडाटा वो यहाँ पर लिखना है। साथ ही राजस्थान सरकार की जो योजना है जिसके तहत आपको अनुभव है उसका नाम लिखना होगा। अनुभव प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया गया उसका पदनाम आएगा और अन्य कोई विवरण है तो वो यहाँ पर आएगा। साथ ही हस्ताक्षर होंगे अभ्यर्थी के। इसी प्रकार से CMHO राजसमंद ने भी UTB संविदा आधारित भर्तियों का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया। साथ ही मैं बता दूं यहाँ पर जो भर्तियाँ हैं ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए हैं। आप 21 अगस्त 12 अगस्त से लेकर 21 अगस्त साय 6 बजे तक आप दिए गए जो लिंक है http://doc.google.com फॉर्म्स, जो फॉर्म है गूगल फॉर्म, इसके माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं 12 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक। इसका जो लिंक है अपने टेलीग्राम ग्रुप में जब कल से चालू होगा ये 12 अगस्त से तब आपको मिल जाएगा। साथ ही आप देख सकते हैं जो संविदा आधारित जो भर्तियां हैं चाहे वो पैरामेडिकल हो चाहे फार्मासिस्ट संवर्ग की हो, स्पष्ट रिक्त पदों तक जो आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। साथ ही आरक्षण रोस्टर नियमों का पालन यहाँ पर किया जाएगा। वित्त विभाग द्वारा जारी समय समय पर आदेश परिपत्रों का पूर्ण पालन किया जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था जो वेतनमान है, जो मानदेय का भुगतान है वो वित्त विभाग के जो सर्कुलर है 3 जुलाई 2023 का उसके अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। यानी कि ANM को 26,300, ARLT को 26,300, फार्मासिस्ट को 33,800 और नर्सिंग ऑफिसर को 37,800 रुपये के हिसाब से मानदेय का भुगतान किया जाएगा। स्थानीय अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। साथ ही आप देख सकते हैं CMHO राजसमंद ने फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और सहायक रेडियोग्राफर के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसी प्रकार से उदयपुर ने भी जो संविदा आधारित जो UTB भर्तियां हैं उनके आवेदन आमंत्रित किए हैं और यहां पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। 18 अगस्त 6:30 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। CMHO उदयपुर ने भी फार्मासिस्ट के 29 पद, लैब टेक्नीशियन के 10 पद और सहायक रेडियोग्राफर के 5 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। फार्मासिस्ट के लिए आपके पास डिप्लोमा है फार्मेसी का प्लस आप फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। LT के लिए आप देख सकते हैं 12वीं है साइंस से या बायोलॉजी से प्लस आपके पास डिप्लोमा है मेडिकल लैब टेक्नीशियन का प्लस आप पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं 10 पदों के लिए। सहायक रेडियोग्राफर 12वीं आप साइंस या बायोलॉजी या मैथ से हैं और आपके पास रेडियोलॉजी का डिप्लोमा है या डिग्री है, आप आवेदन कर सकते हैं प्लस आप राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड होने चाहिए। तो यहाँ पर उदयपुर के लिए जो है LT फार्मासिस्ट और सहायक रेडियोग्राफर के लिए आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे 18 अगस्त तक, 18 अगस्त साय 6 बजे तक गूगल लिंक के माध्यम से। राजसमंद के लिए भी 12 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं गूगल लिंक के माध्यम से। साथ ही सीकर के लिए आपको ऑफलाइन जो आवेदन है वो यहाँ पर करना होगा और ऑफलाइन जो आवेदन है वो आप देख सकते हैं 17 अगस्त साय 5 बजे तक करना होगा। इसी प्रकार से करौली नर्सिंग ऑफिसर के 100 पद, ANM 50 पद, LT 10 पद, फार्मासिस्ट 18 पद और सहायक रेडियोग्राफर के 3 पदों के लिए आपको जो आवेदन है वो ऑफलाइन करना होगा और ऑफलाइन जो आवेदन है आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कर सकते हैं। ANM और नर्सिंग ऑफिसर के 23 अगस्त, LT फार्मासिस्ट और सहायक रेडियोग्राफर के लिए 25 अगस्त तक।
मैं बता दूं जो यूटीपी भर्तियां हैं उसमें जो आपका चयन है 70+30 के आधार पर किया जाएगा, यानी 70% जो वेटेज है आपकी शैक्षणिक योग्यता और तकनीकी योग्यता का जो दिया जाएगा, और 30% जो है वो बोनस अंक यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। यानी कि आपने अगर CHA में काम किया या अन्य किसी योजना में काम किया तो आपको 30% बोनस अंक यहाँ पर दिए देख कर आपका चयन किया जाएगा। साथ ही मैं बता दूँ चयन सूची में स्थानीय अभ्यर्थियों को प्रायोरिटी यहाँ पर मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। आप देख सकते हैं करौली, उदयपुर, सीकर, राजसमंद जिले की जो वैकेंसी है वो यहाँ पर निकल चुकी है। आपको जो समस्त जो बायोडाटा है, जैसा है वो इसका विज्ञापन हो, इसका फॉर्म हो, गूगल लिंक हो, आपके टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन के माध्यम से टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।